एवरीवन कैसे हैं, आई होप आप अच्छे होंगे। तो ये स्पेशल, बहुत ही स्पेशल आप बच्चों के लिए वीडियो है, जो नर्सिंग असिस्टेंट के बच्चे वहाँ पे फिजिकल टेस्ट के लिए देने वहाँ पे जा रहे हैं। तो उन बच्चों को क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, क्या क्या मतलब कि वहाँ पे कैसे रहना है, सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। क्योंकि मेरी उस भाई से बात हुई है जो वहाँ पे सिलेक्टेड हुए हैं BRO में, जो कि मेरे ग्रुप में थे, मेरे बैच में थे, जिन्होंने मेरे साथ एग्ज़ाम दिया था, उनका वहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं, तो ज्वाइनिंग का वेट कर रहे हैं। तो ये वो बच्चे भी देख सकते हैं वीडियो जो वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएंगे, जहाँ जिन बच्चों का नाम लिस्ट में आया है। तो खुद आप बातें जो उनके साथ हुई है आप सुन सकते हैं। हाँ भाई, और कैसे हो? बढ़िया। कौन? मैं गुलशन बोल रहा हूँ, यूट्यूबर। गुलशन? हाँ, गुलशन जो यूट्यूब में नहीं इन्फॉर्मेशन देता BRO में। अच्छा, सर। हाँ, और सुनाए, कैसे है, कैसी तबीयत है? अरे बढ़िया है, अब मैं समझा। हाँ, बोलो। जी, तो मैंने चंडीगढ़ की बात कर रहे हैं यार। अच्छा, तो मैंने फोन इसलिए किया था, मैं पूछ रहा था कि जो आप गए थे ना वहाँ पे। अरे मेरा तो हो गया है। हाँ, मैं तभी आपसे यही बात पूछना चाहता था कि वो यार जो नर्सिंग असिस्टेंट के आप बच्चों की लिस्ट आई है, उनको पता नहीं है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है वहाँ पे। तो मतलब कि उनका जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहता है, ट्रेड टेस्ट रहता है, तो मतलब कि जाएंगे बच्चे 14 दिसंबर को जाएंगे। तो यार मैं यही पूछ रहा था कि यार आप थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाए बच्चे। वो डॉक्यूमेंट्स क्या, जो देखिए, जो आपका ITI है, हाँ, हाई स्कूल है, हाँ, और इसके बाद अगर किसी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। और इसके बाद में क्या आता है, अपना का जो भी CVC जो रिपोर्ट है वो लेके जानी है। कौन सी रिपोर्ट? अरे वो जो उसमें दिया होगा लेटर में, अच्छा, वो बनवा के लेके जानी है। ठीक है। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेके, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनवा के लेके जाना है। अच्छा हाँ, अच्छा, जी, यहाँ लेके जानी पड़ेगी। हाँ, मुझे इसके लिए कॉल लेटर फिर से आता है? कॉल लेटर आया हुआ है? नहीं, ये तो अभी लिस्ट आई है ना बच्चों की, सिर्फ ओनली वेबसाइट पे लगी है, जिन जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं उनकी लिस्ट आई है। तो फिर जिनके लेटर आए हुए हैं, हाँ, और जिनके नहीं पहुंचे उनके पहुंच जाएंगे। अच्छा, लेटर पहुंच जाते हैं बाद में? हाँ, लेटर घर पे पहुंच जाएगा। ठीक है ठीक। मेरा तो आ चुका है। हाँ, अभी कहाँ पे हो? अभी तो मैं घर पे हूँ। अच्छा, तो वो सिलेक्टेड तो हो गया अब? हाँ, मैं सिलेक्टेड हूँ। तो कब ज्वाइनिंग वगैरह कब है? अरे ज्वाइनिंग देखो अब कब देते हैं, वो तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, मेरे खाली हो जाएगा तो ज्वाइनिंग दे देंगे। ठीक है भाई। वही मैं पूछ रहा था बच्चों को, वहाँ बच्चों को बता देता हूँ थोड़ा सा, बच्चे थोड़े टेंशन में है कि क्या करना क्या नहीं करना है। वीडियो वगैरह बना रहे होगे ना? हाँ। अच्छा, चलो कोई नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, नॉर्मली होके जाना है। ठीक है। तो मतलब कि इसमें जो फिजिकल टेस्ट में सबसे पहले क्या रहेगा, जो रनिंग रहेगी वो जिसका फिजिकल, अभी फिजिकल वाला तुम किसके लिए बात कर रहे हो पहले ये बताओ, जो अभी आया हुआ है SKT का, वो उसका जी नहीं, नर्सिंग असिस्टेंट का बच्चों का लिस्ट आई है ना, जो सिलेक्टेड बच्चे हुए पास हो गया उनका रिटर्न। अब नर्सिंग का है तो उनके लिए कुछ नहीं अभी है? उनके लिए फिजिकल तो होगा मेरे को हिसाब से यार, उनका फिजिकल होगा। सबसे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट कम्प्लीट कर ले। हाँ, ठीक है। हाँ, कम्प्लीट करने के बाद वहाँ पे जाएंगे तो एडमिट कार्ड दिखाने के बाद में अंदर जाने को मिलेगा, तो उसमें सीधा पहले फर्स्ट डे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में सेकेंड दिन या थर्ड डे, हाँ, उनकी रेस होगी। अच्छा, रेस होने के बाद में जो क्लियर होगा तो उसका वही सिग्नेचर करवा लिया जाता है। ठीक है। रेस एकदम नॉर्मली होती है। अच्छा। हाँ, ज्यादा टफ नहीं है, 10 मिनट में 1600 मीटर है। अच्छा। इसके बाद में जब रेस हो जाएगी कंप्लीट, इसके बाद में आपको भेज देंगे, फिर बोल देंगे कि कल आना है टेस्ट के लिए। अच्छा। हाँ, तो उसमें फिर जिनका रिस्क फाइनल होगा तो उनको टेस्ट के लिए बुला दिया जाएगा। ठीक है। और टेस्ट में समथिंग 50 से 60% आपको करना ही होगा। अच्छा, ट्रेड टेस्ट में। तो फिर इसके बाद टेस्ट होगा, टेस्ट जिनका क्लियर हो जाएगा जी, तो वो समथिंग जैसे दोपहर सुबह बुला लिया तो शाम को 4 बजे या 5 बजे तक लिस्ट डाल देते हैं। अच्छा। जिनका टेस्ट फाइनल हो जाता है आप वहीं पे फिर बताते
बता देंगे कि आपका ट्रेड टेस्ट फाइनल हो गया है, आप मेडिकल के लिए फला दिन आ सकते हैं। अच्छा, फिर इसके बाद में आपका मेडिकल होगा। अच्छा, फिर मेडिकल जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी जी, मेडिकल में भी ज्यादा कुछ नहीं रहता है, नॉर्मल रहता है। अपना तैयारी करके जाए। अच्छा, ते मतलब कि ये एक सप्ताह वहाँ पे रहना पड़ेगा बच्चों को? एक हफ्ता रहना पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो खाने पीने का, रहने का, वो खुद से अपनी तरफ से बच्चे वो अपना एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मैं बता देता हूँ वहाँ पे। जी जी, ये पठान बाबा की मजार पड़ती है धनौरी रोड पे। अच्छा, जो टैंक गेट, उसमें एडमिट कार्ड में कौन सा गेट, डीएन गेट दिया हुआ है इनका? यार बहुत ही हुआ, स्कूल है मेरे हिसाब से, शेल्टर स्कूल करके दिया हुआ। हाँ हाँ, ऐसा ही है। तो उसमें तो मेडिकल होता है शायद, पता नहीं यार, उसकी वो ही लिखा हुआ है, देखना पड़ेगा मेरे को। अगर डीएन गेट दिया हुआ है तो धनौरी रोड पे जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, लेकिन रूम जो वहाँ पे सस्ते में अवेलेबल होंगे तो वो होगा टैंक गेट के पास में। अच्छा, टैंक गेट के पास में जो मेडिकल रूम बहुत सस्ते में 200 रुपए में, 250 रुपए में पर कैंडिडेट को 24 घंटे के लिए मिल जाता है। ठीक है, ठीक है। और मैं तो वहाँ रुका था एक हफ्ते, तो मुझे पता है इसके बारे में। अच्छा, तो टैंक गेट पे जाके वहाँ पे आस पास वहाँ पठान बाबा की मजार पड़ती है। अच्छा, वहाँ पे जाके अपना संपर्क कर ले किसी से, तो वहाँ रूम सस्ते में अवेलेबल हो जाता है। हाँ वो तो है। और थोड़ा सा जाने से, जाने के बाद में एरिया की जांच कर ले तो ज्यादा बेहतर रहेगा आस पास। जी जी जी, तो पता चल जाएगा कौन सा टैंक गेट है, कौन सा बीएन गेट है। हाँ वो तो है, जब बच्चे जाते हैं चलो इतना हो ही जाएगा उनको, एक दो दिन पहले ही जाएंगे बच्चे। और टाइम से पहले पहुंचे। ठीक है।